क्या जकात की रकम ऐसी जगह दे सकते हैं? कुछ फाउंडेशन ऐसे होते हैं जो मतलब कैदियों को, जो मतलब छोटे गुनाहों की वजह से कोई मतलब इस तरह से जेल में फंसा हुआ है, तो ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए जकात की रकम दी जा सकती है? जी शेख, देखिए, बहन का सवाल इनका ये है कि अगर कोई जेल में है तो क्या उस कैदी को कैद से रिहा करवाने के लिए ज़कात की रकम दी जा सकती है कि नहीं? देखिए, कुरान करीम में जो ज़कात का मसरफ है वो फिर रिकाब, 8 मसारिफ में से एक मसरफ है वो फिर रिकाब। रिकाब का मतलब होता है गर्दन। गर्दन आज़ाद करवाने के लिए ज़कात की रकम दी जा सकती है, लेकिन गुलाम किसको कहते हैं? अब्द या गुलाम उसको कहते हैं जो किसी की मिल्कियत होता है। अब्द की हैसियत ऐसे होती है जैसे वो कोई सामान है, उसको कभी भी खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, वो मुकम्मल तौर से जी मिल्कियत किसी की मिल्कियत होता है सामान की तरह से। लेकिन जो इंसान जेल में है वो किसी की मिल्कियत थोड़ी है, किसी का गुलाम नहीं है, उसने जुर्म किया है, उस जुर्म की सजा काट रहा है। अगर को गवर्नमेंट चाहे या जेल वाले चाहे तो क्या उसको बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, क्योंकि उनकी मिल्कियत नहीं है। तो ये फर्क है गुलाम में और कि एक कैदी में। लिहाजा कैदी अलग है, गुलाम अलग है, और जकात की जो रकम दी जाती है वो कैदी को आजाद करवाने के लिए, सॉरी, गुलाम को आजाद करवाने के लिए, ना कि कैदी को जी रिहा करवाने के लिए, क्योंकि कैदी गुलाम नहीं है, वो किसी की मिल्कियत नहीं है। ये एक बात। दूसरी बात ये कि कैदी को जकात की रकम देने की एक सूरत है, क्योंकि जो कैदी होता है, एक कैदी वो होता है जो मजलूम होता है, उसे किसी तरह से फंसा दिया गया और जेल में डाल दिया गया, वो मजलूम है। दूसरा कैदी वो होता है जो हकीकत में मुजरिम है और जेल में अपने जुर्म की सजा काट रहा है। तो जो मुजरिम है, अपने जुर्म की सजा काट रहा है हकीकत में, तो जेल से रिहा होना उसका हक नहीं है। उसका हक यही है कि वो जेल में रहे, अपने जुर्म की सजा काटे। लेकिन अगर कोई मजलूम है और जेल में है तो जाहिर है उसका उसका हक है कि वो जेल से निकले। अब अगर उसके पास पैसा होगा तो अपना अपना केस लड़ेगा और जो भी पैसे की जरूरत होगी खर्च करेगा और जेल से रिहाई की कोशिश करेगा। अब अगर वो मजलूम शख्स जो जेल में है उसके पास इतनी रकम नहीं है कि वो अपना केस देख सके, अपना केस लड़ सके, उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो फिर वो फकीर के जिम्न में आएगा। जिस तरह एक फकीर वो इंसान होता है जो अपनी बुनियादी जरूरतें नहीं पूरी कर पाता है, तो जो शख्स जेल में है, जेल से निकलना उसकी बुनियादी जरूरत है, उसका बुनियादी हक है। अब अगर उस निकलने के प्रोसेस में पैसा खर्च करना पड़ रहा है और वो पैसा उसके पास है नहीं, तो हम उसे वो जकात की रकम दे सकते हैं। तो क्या हमने जकात की रकम उसको इसलिए दिया कि वो कैदी है, या इसलिए दिया कि वो फकीर है? हमने इसलिए दिया कि वो फकीर है, इसलिए नहीं दिया कि वो कैदी है। तो जकात की रकम उसको फकीर की हैसियत से दी जा सकती है, कैदी की हैसियत से नहीं।